हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इसरो के ट्रेड टेस्ट एवं स्किल टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इसरो अहमदाबाद का हमारा स्किल टेस्ट है, कोई भी आइडिया नहीं है किस टाइप से हमारा स्किल टेस्ट होता है, प्लीज इसके बारे में एक वीडियो बनाए। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें स्किल टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसरो अहमदाबाद में ट्रेड टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स को कॉल किया है वह 1 सीट पर 10 स्टूडेंट्स को कॉल किया है, यानी कि जो रेशो रखा है वह काफी अधिक रेशो रखा है। 1 पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है, यानी कि यदि 10 स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट देते हैं तो वहां पर 9 स्टूडेंट्स बाहर होंगे, ओनली 1 स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, जो हमारा स्किल टेस्ट है वो गो एंड नो गो बेसिस का है। अब ये गो एंड नो गो बेसिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड, गो एंड नो गो बेसिस ये है, यदि आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होते हो तो आप जो है आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप जो है सिलेक्ट हो गए, आगे जो भी प्रोसेस है यानी कि आपकी मेरिट बननी है उसमें आपका नेम होगा। यदि आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको क्वालिफाई होना है, कोई मार्क्स वगैरह आपको लिए जो है कोई इसका स्किल टेस्ट का कोई मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है, तो ये बात जो है आपको क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड, जो स्किल टेस्ट है वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यानी कि टेक्नीशियन बी पोस्ट की बात की जाए बहुत कॉमन टेस्ट होने वाला है, आपके ट्रेड से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या है जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो उनसे कभी कभी क्या है इंस्ट्रूमेंट के बारे में या उनके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में ओनली वर्बली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कोई भी, या फिर उनका इलेक्ट्रिकल का जो भी काम है वो काम को थोड़ा बहुत करके आपको बताना रहेगा जो भी उनको है, तो काफी कॉमन होने वाला है। अब बात करें फिटर टर्नर मशीनिस्ट यानी कि मैकेनिकल ट्रेड जितनी भी है उनकी थोड़ी सी बात करें तो उनके लिए फ्रेंड्स जो स्किल टेस्ट आपका होता है उसमें पर्टिकुलर आपको एक ड्राइंग दिया जाता है, रॉ मटेरियल दिया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं एंड आपको मशीन प्रोवाइड कराई जाती है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको उस रॉ मटेरियल से उस ड्राइंग के अनुसार वर्कपीस को कंप्लीट करना होता है, ये आपकी सारी प्रोसेस होती है। अब फ्रेंड देखिए, ये आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या फिटिंग वाला जॉब देंगे, काफी सारे माइंड में आपके क्वेश्चन रहते हैं, क्या टेपर वर्कपीस देंगे, तो मैक्सिमम में आपको थोड़ा सा जितने भी स्किल टेस्ट अभी तक हुए हैं प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें मैक्सिमम जो चांस बनता है फ्रेंड वो लेथ मशीन पर यानी कि सिलेंड्रिकल वर्कपीस आपको दिया जाता है, चाहे आपका फिटर ट्रेड हो, मशीनिस्ट ट्रेड हो या टर्नर ट्रेड हो। टर्नर ट्रेड के लिए तो कंपलसरी है कि आपको लेथ मशीन पर ही वर्क करना रहेगा, कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस आपको बनाना रहेगा जो काफी कॉमन होता है। एंड फ्रेंड बहुत कम चांस होते हैं कि मशीनिस्ट वाले के लिए वो मिलिंग मशीन या सेपर मशीन की ओर जाए। अब फ्रेंड ये जो स्किल टेस्ट है वो डिपेंड करता है कितना हार्ड या कितना इजी वर्कपीस वो देने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पर आपका स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो किसी आईटीआई कॉलेज में जो है इसरो वाले देते हैं कि पर्टिकुलर इस आईटीआई कॉलेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, तो वहां पर क्या है सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे, सारी मशीनिंग अवेलेबल होगी, सब कुछ वहां पर अवेलेबल होगा, तो वहां पर चांस बनता है कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो काफी हार्ड लेवल का यानी कि उसमें वर्कपीस में काफी ज्यादा ऑपरेशन आपसे करवा सकते हैं। लेकिन ये यदि प्रोडक्शन शॉप में होता है तो फ्रेंड जहां भी प्रोडक्शन होता है इसरो में जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर यदि आपका टूल रूम में आपका स्किल टेस्ट लेते हैं तो वहां पर क्या मास प्रोडक्शन है, एक फिक्स होता है कि भाई ये ऑपरेशन होना है तो उसी टाइप्स के वर्कपीस को मास प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर इतनी मशीनरी अवेलेबल नहीं है कि वो सारे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो वहां पर आपका ये जो लोकेशन है वो बहुत डिपेंड करती है स्किल टेस्ट के बारे में। तो मैक्सिमम मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आपने बेसिकली प्रैक्टिकल किया है, आपको लेथ मशीन चलाना आता है, यदि आप मशीनिस्ट ट्रेड से हो तो आपको मिलिंग मशीन सेपर मशीन के बारे में नॉलेज है और आप वर्कपीस की शेप यदि क्रिएट कर लेते हो, फ्रेंड यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखिए प्रैक्टिकल जो आपका होने वाला है फिटर टर्नर मशीनिस्ट जो भी आपका ट्रेड है उसमें आपको एक पर्टिकुलर ड्रॉइंग दी, उसमें कुछ टॉलरेंस दिया है, वहां पर मैक्स
मैक्सिमम यदि आप उस वर्कपीस का एग्जैक्टली शेप क्रिएट कर देते हो, जरूरी नहीं है कि डायमेंशन को आपने एक्यूरेटली बना पाया, यदि आप उस वर्कपीस का शेप भी फ्रेंड यदि बना दोगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आप क्वालिफाई हो जाओगे। वहां पर डायमेंशन का इतना इशू नहीं होता है कि हर वर्कपीस का वो डायमेंशन चेक करें कि कितना डायमेंशन है, क्या वो एग्जैक्टली बनाया है या नहीं। आपको शेप जरूरी है कि आप जो है पर्टिकुलर शेप में जो आपकी ड्रॉइंग है वो शेप आपके वर्कपीस का होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, उस टाइप से आपको अपने स्किल टेस्ट को जो है कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड मेरा उद्देश्य यही है, काफी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियोस के लिए। तो यहां पर काफी कॉमन ट्रेड टेस्ट होता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइमिंग है तो आप किसी भी आईटीआई कॉलेज में जहां से आपने आईटीआई की है वहां पर प्रैक्टिस करने जा सकते हो, प्रैक्टिस करिए, या जहां भी आपके लिए जो है ये सुविधा अवेलेबल है वहां पर लेथ मशीन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, मिलिंग मशीन शेपिंग मशीन के बारे में जो है चलाना सीख सकते हो। अब फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या सर इंटरव्यू होगा क्या हमारा, क्या पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपका जैसे ही वर्कपीस कंप्लीट होता है, आप वर्कपीस को बना लेते हो, उसके बाद वो आपको एक कॉमनली इंटरव्यू ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है लाइक वर्नियर कैलिपर है एंड माइक्रोमीटर है, जो भी गेजेस वगैरह है, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो क्या करते हैं, जर्नली जहां पर आपका इंटरव्यू टाइप का लिया जाता है वो आपका वर्कपीस को, जो आपने वर्कपीस बनाया है उसको मेजर करके बताइए। इस टाइप से आपसे जो है वर्नियर कैलिपर क्या आपको रीड करना आता है, माइक्रोमीटर रीड करना आता है या नहीं, गेजेस के नाम पता है या नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। कोई भी गेज आपको दिखा देंगे, इस गेज का नाम क्या है, या आपका स्क्रू थ्रेड पिच गेज है तो आपको पिच चेक करनी है, डेप्थ चेक करनी है थ्रेड की, तो इस टाइप से जो है वह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स वो नॉर्मली इंटरव्यू लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं है इंटरव्यू का। आपका मेन डिपेंड करेगा आपका जो वर्कपीस है, वो वर्कपीस आपने क्या उसका शेप बनाया है या नहीं, या उसका प्रॉपरली जितने भी ऑपरेशन उन्होंने दिए हैं ड्रॉइंग में वो सभी ऑपरेशन आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं। एग्जैक्टली आपको सभी ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। फिटर ट्रेड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट चांस बनते हैं कि आपको लेथ मशीन दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो भी आपके प्रैक्टिकल हुआ है, ट्रेड टेस्ट हुआ है, वहां पर फिटर ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, टर्नर ट्रेड के लिए, तीनों ट्रेड के लिए लेथ मशीन पर ज्यादातर आपको जो है ट्रेड टेस्ट देने को मिलता है। तो लेथ मशीन के बारे में जरूर आपको नॉलेज होना चाहिए, किस टाइप से वर्कपीस को ट्रू करना है, यदि थ्री जो चक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कॉमन सी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाकी इतना कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, आपस में भी हेल्प हो जाती है। वो डिपेंड करेगा किस जगह पर आपका जो है ट्रेड टेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इसके ऊपर इतना फोकस ना करें, आपका जो मेन सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जामिनेशन था, जो आपके मार्क्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन पर। मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई हो जाते हैं ट्रेड टेस्ट में, प्रैक्टिकल में किसी को वो फेल नहीं करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि यदि आपका वर्कपीस का शेप ही नहीं बना पाए हो आप, बिल्कुल आपको नॉलेज ही नहीं है मशीन का किस टाइप से फीड देना है क्या है, तो वहां पर तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या आपका वर्कपीस जो है ऑपरेशन करते टाइम बेंड हो गया है, या तो इन सभी का ध्यान देना है, हड़बड़ाहट में प्रैक्टिकल नहीं करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आप एग्जैक्टली शेप बनाने की कोशिश करें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कपीस का शेप बना सके। तो मेरा यही जो है काफी लोगों के डाउट क्वेश्चन थे, तो जो भी आपका ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में करिए, मैं जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बाकी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, आपको बस यही उद्देश्य मैंने कोशिश किया है कि आपको प्रेशर लेके नहीं चलना है, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट ज्यादा इशू नहीं रखता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो आप क्वालिफाई जर्नली हो जाओगे, बाकी इतना कोई इशू नहीं होता है, जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे तो वहां पर हेल्प वगैरह भी हो जाती है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ ऑल डिटेल्स आपको जो क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।